जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की हमारी कहानी है प्रतिभा की पहचान। यूनान देश के येस प्रांत में एक निर्धन बालक दिन भर परिश्रम करके जंगल में लकड़ियां काटता, फिर उनका गट्ठर बनाकर शाम को बाजार में बेचता था। एक दिन एक संभ्रांत व्यक्ति उस बाजार से जा रहा था। उसने देखा कि उस बालक का गट्ठर बहुत ही कलात्मक ढंग से बंधा हुआ है। उसने उस लड़के से पूछा, क्या यह गट्ठर तुमने बांधा है? लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ श्रीमान जी, मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ, स्वयं गट्ठर बांधता हूँ और फिर रोज बाजार में बेचता हूँ। उस व्यक्ति ने लड़के से कहा, क्या तुम इसे खोलकर इसी प्रकार दोबारा बांध सकते हो? जी हाँ, यह देखिए। इतना कहकर उस लड़के ने गट्ठर खोला तथा बड़े ही सुंदर तरीके से पुनः गट्ठर बांध दिया। यह कार्य वह बड़े ध्यान, लगन और फुर्ती के साथ कर रहा था। उस व्यक्ति पर इस लड़के की एकाग्रता, लगन एवं कलात्मक प्रतिभा का बहुत प्रभाव पड़ा। उसने देखा कि बालक में छोटे से काम को भी दिलचस्पी, लगन और कलात्मक ढंग से करने का गुण विद्यमान है। ऐसा विचार कर उसने बालक से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें शिक्षा दिलाऊंगा और सारा व्यय वहन करूंगा। बालक सोच विचार में मग्न हो गया। फिर उसने व्यक्ति को कहा, अपनी स्वीकृति दे दी और उसके साथ चला गया। उस व्यक्ति ने बालक के रहने और उसकी शिक्षा का प्रबंध किया। वह स्वयं भी उसे पढ़ाता था। थोड़े समय में ही उस बालक ने अपनी लगन तथा कुशाग्र बुद्धि से उच्च शिक्षा आत्मसात कर ली। बड़ा होने पर यही बालक यूनान के महान दार्शनिक पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भला आदमी जो बालक की आदतों, बुद्धि एवं लगन पर मोहित हो गया था, उस जिसने एक दृष्टि में बालक के अंदर छिपे हुए महानता के बीज को पहचान कर उसे पल्लवित किया था, वह था यूनान का विख्यात तत्वज्ञानी डेमोक्रिट्स। जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्य भी लगन एवं ईमानदारी से करते हैं, उन्हीं में महानता के बीज छिपे रहते हैं। ईमानदारी एवं लगन महानता के लक्षण है। जय श्री कृष्णा।